हाय एवरीवन, दिस इज प्रणव। और लास्ट वीडियो में जैसे हमने डेटा टाइप्स वगैरह देख लिया था, और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जावा आउटपुट। ठीक है, तो स्क्रीन पे एक लाइन लिखी हुई है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और उसके सामने दो ब्रैकेट्स, एक ओपन है और एक क्लोज है। ये लाइन मोस्ट ऑफ लोगों ने जो आपका ट्यूटोरियल्स फॉलो कर रहे हैं उसने उन्होंने पिछले प्रोग्राम्स में देखी होगी कि भाई ये बंदा ये लाइन लिखता है, बट इसका मतलब हमें नहीं पता। तो आई थॉट कि यार ये लाइन बताना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे एक सेमी कोलन भी दे देते हैं कि ये लाइन बताना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, ये लाइन बेसिकली से एक फंक्शन कहते हैं, जावा की एक मेथड कहते हैं। जावा के अंदर फंक्शंस को मेथड कहते हैं। ठीक है, तो ये लाइन क्या करती है, एक सेकेंड। जब भी आप कोई जावा का कोड लिखोगे तो ये लाइन आपको आउटपुट को प्रिंट करने के लिए हेल्प करेगी। ठीक है, क्या करेगी, आउटपुट प्रिंट करने के लिए हेल्प करेगी। कहाँ पे प्रिंट करने के लिए हेल्प करेंगे, जो नीचे हमारा आउटपुट आता है ना, उसे हम कंसोल कहते हैं। ठीक है, तो कंसोल पे आउटपुट को प्रिंट करने के लिए हेल्प करेगी। जब हम क्लासेस वगैरह, क्लासेस ऑब्जेक्ट्स, उनके मेथड, क्लासेस के अंदर के कंपोनेंट्स पूरे सीख लेंगे, तब हम क्या करेंगे, तब मैं आपको इसका डिटेल मीनिंग बताऊंगा कि यहाँ पे सिस्टम ही क्यों लिखा है, आउट ही क्यों लिखा है, और ये प्रिंट एलन क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बस ये देखेंगे कि इस फंक्शन को हम डिफरेंटली कैसे यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर। सो चलते हैं अपने आईडी स्क्रीन की तरफ। ठीक है, तो ये अपना सिंपल प्रोग्राम है, जहाँ पे एक मैंने क्लास बनाया हुआ है प्रोग्राम वन करके। ठीक है, तो उसके अंदर एक मेथड है, फंक्शन है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। जैसे कि हमने स्ट्रक्चर में देखा था जावा के कि ये मेन फंक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अपने प्रोग्राम का होता है एंट्री पॉइंट। तो ठीक है, तो इन दिस वीडियो वी विल सी अबाउट हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन को कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जब अब सपोज मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है मेरे कंसोल के ऊपर, तो मैं क्या करूंगा, सिस्टम लिखूंगा, डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन को लिखूंगा, और इसके अंदर सिर्फ डबल कोट्स देके मैं अपना मैसेज जो भी है वो प्रिंट करा दूंगा। ठीक है, तो सपोज ये किया मैंने हेलो वर्ल्ड प्रिंट, तो देखो सपोज मैंने रन किया कंट्रोल वन, कंपाइल प्रोग्राम एंड कंट्रोल। तो यहाँ पे प्रिंट होके आ गया हेलो वर्ल्ड, ये जो है मेरा ये कंसोल है। ठीक है, तो कंसोल में जैसे कि अब सिंपली आपको पता चल गया होगा कि कंसोल के अंदर कोई भी चीज को प्रिंट करने के लिए हम ये फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, तो इस फंक्शन को हम डिफरेंटली यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये सिर्फ एक ही फंक्शन नहीं है, यहाँ पे देख रहे होंगे आप, यहाँ पे लिखा है प्रिंट एलन, ऐसा और एक फंक्शन है जिसका नाम है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिर्फ प्रिंट। ठीक है, आप इसके अंदर भी लिख सकते हैं कुछ भी, है आई एम प्रणव। तो अब इन दोनों फंक्शंस के अंदर डिफरेंस क्या है, देखो पहले मैं आपको एक बात बता दूं। ठीक है, इसे अभी इग्नोर करो, यहाँ पे मैं और एक लाइन लिखूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो वर्ल्ड टू। तो ये हेलो वर्ल्ड मुझे प्रिंट कराना था, और उसके बाद में मुझे प्रिंट कराना था हेलो वर्ल्ड टू। ठीक है, तो मैंने दो सेम फंक्शन लिखे अपने, प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसे हमने किया रन। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, दो लाइंस, डिफरेंट लाइन पे हमारा आउटपुट प्रिंट हो गया। पहली लाइन पे हमारा क्या प्रिंट हुआ, हेलो वर्ल्ड, और उसके नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हुआ हेलो वर्ल्ड टू। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने फंक्शन यूज किया था प्रिंट एलन, एलन सिंपली है न्यू लाइन। ठीक है, इस एलन का मतलब याद रखो, न्यू लाइन पे आउटपुट को प्रिंट करो। देखो अब ये हेलो वर्ल्ड ने, इसने क्या किया, सबसे ऊपर हेलो वर्ल्ड को प्रिंट किया, और जो अपना कर्सर था वो नेक्स्ट लाइन पे लेके गया, और फिर हेलो वर्ल्ड टू को प्रिंट किया। अगर मैं ऐसा ना करके सपोज पहला पहली मेरी लाइन प्रिंट एलन पे यहाँ पे सपोज नॉर्मल प्रिंट से प्रिंट करवाता, और उसके बाद मेरी दूसरी लाइन भी नॉर्मल प्रिंट से प्रिंट करवाता, तो देखो क्या होता, मेरा जो आउटपुट है वो एक ही लाइन में आता, हेलो वर्ल्ड एंड हे आई एम प्रणव। ठीक है, और ये आगे वाला तो कंसोल का है। ठीक है, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। तो डिफरेंस हो, आई होप डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि ये जो प्रिंट फंक्शन है ये एक ही लाइन पे सामने वाला लाइन प्रिंट करेगा, और प्रिंट एलन जो है वो न्यू लाइन पे वो प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना प्रिंट एंड प्रिंट एलन। अब डिफरेंटली इसे कैसे यूज कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर, जैसे कि देखो हेलो वर्ल्ड मुझे एक मैसेज डालना था, मैंने वो डाल दी। सपोज मुझे कोई नंबर प्रिंट करवाना है, तो मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन 10। ठीक है, ऊपर वाली लाइन हटा देते, ये 10 प्रिंट करवाना है, सेमी कोलन देना है, तो देखो 10 प्रिंट हो गया।
तो आप कोई भी डेटा टाइप इसके अंदर पास कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले पास की थी एक स्ट्रिंग, अभी पास किया एक इंटेजर। सपोज मैं कोई फ्लोट पास करता हूँ 08, तो देखो ये भी पास हो गया। सपोज मैं कोई बुलियन पास करता हूँ ट्रू, तो ये भी आ गया। ठीक है, तो कोई भी डेटा टाइप हम इसके अंदर पास करवा सकते हैं। और जब भी हमें कोई चीज़ को प्रिंट करना पड़ेगा तब हम ये लाइन यूज़ करेंगे, तो सामने वाले प्रोग्राम से हमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था डेटा टाइप्स क्या होते, वेरिएबल्स क्या होते। तो हम इस प्रोग्राम में क्या करेंगे, दो वेरिएबल्स बनाएंगे, उसके अंदर एक दो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे और उनके उनके ऊपर कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और उसका जो आउटपुट होगा वो हम कंसोल के अंदर प्रिंट करेंगे। सिंपली हम एक एडिशन का प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, एडिशन का हम प्रोग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक नंबर के लिए इंट डेटा टाइप का वेरिएबल बनाऊँगा, इंटीजर ए। ठीक है, और बाद में मैं दूसरे नंबर, सॉरी, ए की जगह हम नम वन यूज़ करेंगे। कुछ भी यूज़ कर सकते हैं बट मोर ज़्यादा क्लियर हो इसलिए नम वन यूज़ करेंगे। ठीक है, और हमें दूसरा वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसके अंदर हम अपना दूसरा नंबर स्टोर करेंगे। तो उसका भी डेटा टाइप हम इंटीजर लेंगे और उसका नाम रखेंगे नम टू। इस नाम को हम जावा के अंदर बोलते हैं आइडेंटिफायर। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें इसके अंदर वैल्यूज डालनी है, तो हम डालेंगे नम वन इज इक्वल्स टू सपोज 10। ठीक है, नम टू इज इक्वल्स टू 20। और अब मुझे इस पर अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है एडिशन वाला। तो मैं क्या करूँगा, एक नया वेरिएबल बना लूँगा इंटीजर आंसर नाम से, और उसके अंदर मैं नम वन की वैल्यू और उसे ऐड करूँगा नम टू की वैल्यू के साथ। और फिर अब जो आंसर आया मुझे यूज़र को बताना है, कंसोल पे प्रिंट करवाना है। मैं सिंपली लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यहाँ पे मैं ऐसा स्ट्रिंग लिख सकता हूँ, योर आंसर इज। अब देखो ये जो है पहली स्ट्रिंग है, बट जो अपना आंसर है वो इंटीजर टाइप में। हमने पहले देखा कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के हम अंदर हम एक तो स्ट्रिंग डाल सकते हैं या फिर इंटीजर डाल सकते हैं, बट अब दोनों को साथ में कैसे डालें। तो दोनों को साथ में डालने के लिए हम एक सिंबल यूज करेंगे एडिशन वाला, जिसे हम कहते हैं कॉनकैटिनेशन। ठीक है, तो इसे हम स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन कहते हैं। तो ये मेरी स्ट्रिंग थी योर आंसर इज, और मैंने उसे कॉनकैटिनेट किया, सिंपली अटैच किया किसके साथ, मेरे नए वेरिएबल के साथ जिसका डेटा टाइप है आंसर। वो कुछ भी डेटा टाइप वो कर सकते हैं हम। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे किया आंसर। ठीक है, पहले इसे प्रिंट करवा लेते हैं। तो ये देखो योर आंसर इज 30। क्या दिए थे वैल्यू, नम वन की 10, नम टू की योर आंसर इज, ये प्रिंट होके आया और बाद में आया 30। ठीक है, तो और देखो अब सपोज मैं ये आंसर आगे लिखता, सपोज मुझे ऐसा लिखना था इज योर आंसर, यहाँ पे आंसर की वैल्यू प्रिंट करा, तब मुझे क्या आएगा देखो, या हो गया 30 इज योर आंसर, ये भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई मैटर नहीं करता, आप कहीं पर भी लिखो डेटा टाइप, आगे लिखो पीछे लिखो, बस आपको कॉनकैटिनेट करना है। अब बहुत लोग ये पूछेंगे कि देखो ऊपर ये यही सिंबल यूज किया और नीचे भी यही सिंबल यूज किया, बट ऊपर को वैल्यू हम ऐड कर रहे थे और नीचे तो इन्हें सिर्फ अटैच कर रहे थे। तो यस, जब हम ये जो सिंबल है प्लस वाला, इसे अगर जब हम स्ट्रिंग के साथ यूज करते हैं तो ये एज अ कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर जैसे काम करेगा। ठीक है, तो ये प्लस वाला जो सिंबल है ये जावा में हम दोनों चीज़ों के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि पहला प्लस है स्ट्रिंग को एक दूसरे के साथ अटैच करने के लिए। सपोज मेरी एक स्ट्रिंग है प्रणव नाम की और दूसरी स्ट्रिंग है संगवे नाम की, तो अगर मुझे इसे साथ में लिखना है तो मैं बीच में प्लस लगा दूँ तो क्या होगा, पहले ये स्ट्रिंग आएगी उसके बाद में ये स्ट्रिंग आएंगी। ठीक है, सिंपली अगर मेरे पास दो इंटेजर्स है, पहला इंटेजर है 10 और दूसरा इंटेजर है 20, और मुझे इनके एडिशन करने, तो मैं ये प्लस लिखूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा 30। अब ये जावा के कंपाइलर का काम है, उसे समझ में आता है कि इसे इस प्लस ऑपरेटर को क्यों यूज किया है। अगर हमने इसे डेटा टाइप्स इंटेजर के साथ या फिर कोई और अरिथमेटिक डेटा टाइप के साथ यूज किया है तो ये एडिशन करेगा, या फिर उसे अगर लगता है कि हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप्स के साथ यूज किया है तो ये कॉनकैटिनेशन करेगा। तो ये पूरा कंपाइलर का काम है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप समझ में आ गया कि हम क्यों यूज करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन को। ठीक है, और ये भी कर सकते थे हम, क्या सपोज हमने ये जो अरिथमेटिक ऑपरेशन ऊपर किया, ठीक है, ये जो ऑपरेशन हमने यहाँ पे किया, मैं इसे डायरेक्टली यहाँ पर भी लिख सकता था कि नम वन प्लस नम टू की जो भी वैल्यू आए वो यहाँ पे कर दो आंसर, यहाँ पे प्रिंट करवा दो। तो सपोज मैं यहाँ पे इसे रन करता हूँ तो ये देखो मेरी वैल्यू आ गई 30।
तब सपोज मुझे आंसर, योर आंसर इज भी यहाँ पे डालना था, तो मैं क्या करता, दो स्ट्रिंग बना लेता, ठीक है, इसे निकाल देते सबसे पहले, कंफ्यूजन ना हो, योर आंसर इज, यहाँ पे एक सेमीकोलन। और अब देखो मेरी ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के साथ में अगर प्लस यूज कर रहा हूँ तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट करने वाला हूँ, ठीक है, दो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करने वाला हूँ। बट अब मुझे यहीं पर एरिथमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म करना है, तो मैं क्या करूँगा ना, यहाँ एक ब्रैकेट दे दूंगा, ठीक है, कि देख भाई इस ब्रैकेट के अंदर जो नम वन प्लस नम टू है, ये इंटेजर्स है और इनका एडिशन परफॉर्म। तो कंपाइलर क्या करेगा, सबसे पहले वो अंदर वाला जो ब्रैकेट है उसे सॉल्व करता है, तो उसे समझ में आ जाएगा कि ये दो इंटेजर्स है और इसका एरिथमेटिक ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है। और बाद में वो बाहर के आउटर ब्रैकेट के अंदर आएगा और उसे पता चलेगा कि यहाँ पे स्ट्रिंग है और एक इंटेजर है, तो उसको कॉन्कैटिनेट कर देगा, ठीक है, जहाँ पर भी स्ट्रिंग के साथ एडिशन का ऑपरेटर यूज किया है तो उसे समझ में आ जाएगा कि ये कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। तो अगर इसे प्रिंट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, योर आंसर इज 30, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि यहाँ पे देखो मैंने नम वन और नम टू की वैल्यू 10 और 20 खुद से डाल दी थी, तो अगर मैं किसी किसी यूजर को ये यूज करने को दूँ तो उसे हर बार आउटपुट में क्या ही मिलेगा, 30 मिलेगा, तो इस प्रोग्राम का कुछ फायदा नहीं है क्योंकि वो अपनी खुद से वैल्यू नहीं डाल सकता। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम यूजर से कैसे वैल्यूज ले सकते हैं, ठीक है, यूजर इनपुट कैसे ले सकते हैं, तभी तो हमारा प्रोग्राम बाकी लोगों के यूज में आएगा, कि जब जो यूजर है वो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज देगा तो हमारा जो प्रोग्राम है वो डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट देगा। तो नेक्स्ट वीडियो में बस देखेंगे कि जैसे कि हमने इस वीडियो में देखा कि जावा आउटपुट कैसे देता है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जावा इनपुट कैसे लेता है, ठीक है, उसके भी सारे फंक्शन मैं आपको बता दूंगा। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।